विद्युत विभाग की तानाशाही के विरोध में किसानों ने घेरी कराहल तहसील। खबर कराहल से है, जहां भारतीय किसान संघ द्वारा आज तहसील प्रांगण में तहसील का घेराव कर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल एवं कलेक्टर को तहसीलदार के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें वर्तमान विद्युत विभाग की तानाशाही से प्रशासन को अवगत कराया। भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने बताया कि श्योपुर जिले में विद्युत की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। विद्युत विभाग शायद किसानों पर बबरतापूर्ण रवैया अपनाकर बर्बाद करने की रणनीति बनाना चाहता है। विद्युत विभाग द्वारा किसानों को चार चार पाँच पाँच घंटे बिजली दी जा रही है, उसमें भी कहीं रात तो कहीं दिन में टुकड़ों में बिजली दी जा रही है, जबकि वर्तमान में रवि की फसल हेतु पानी की भयंकर जरूरत है। यदि ये समस्या इस तरह की रही तो किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। यदि जल्दी विद्युत समस्या हल नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ एक बड़ी रणनीति तैयार करेगा और किसानों की लड़ाई लड़ेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लाइट दे देता है, कभी चार बजे दे देते हैं। क्या विद्युत विभाग को यह आदेश क्या मध्य प्रदेश शासन ने दे रखा है? इस संबंध में आप यदि अथॉरिटी हो, आप इनको संतुष्ट कर सकें तो आप, नहीं तो विद्युत विभाग के वरिष्ठ डी ओ एस सी से आप संबंधित अधिकारी को बुला के हमारे किसानों को यह बता दें कि क्या मध्य प्रदेश शासन ने यह आदेश दिया है कि किसानों को घुट घुट के मारने का, कभी दो घंटे लाइट दे दें, कभी चार घंटे, और बिल ना देने पर उस किसान की कभी डीपी उठा लाएंगे, ये ले लेंगे, वो तो उसको उसके पास में पावर है। क्या किसान जानवर है क्या? क्या उसको जीने का हक नहीं है क्या? क्या उसके पास में अपना कोई अधिकार नहीं है? इसके लिए महोदय यदि अथॉरिटी में हों और महोदय इसको संतोषजनक मेरे किसानों के लिए आप जिम्मेदारी ले लें तो आप रहे, नहीं तो महोदय विद्युत विभाग के वरिष्ठ ACD को बुलाकर क्या है कंडीशन, क्या हमको किसानों को मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है या हमारा विद्युत विभाग श्योपुर तानाशाही कर रहा है? रात में भी जो गेट बंद नहीं होगा, तहसील को घिरावे सर, आप हम पे केस बनवा दो, पूरे पे केस लगाओ और चक्का जाम का भी तैयार, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है केस ही तो लगेगा, इसकी फसल ही बर्बाद हो जाएगी हमारे क्रांति।